हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है मसल स्पिंडल। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी रिफ्लेक्स क्या होता है। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि मसल स्पिंडल क्या होता है, क्योंकि मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स का एक बहुत ही बेसिक पार्ट है। तो मसल स्पिंडल मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल शेप होता है, और ये जैसा कि नाम है मसल स्पिंडल, तो ये मसल में पाया जाता है। मसल में इसके 8 से 12 फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स एंड एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर। इंट्राफ्यूजल फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से घिरा होता है और ये अंदर की तरफ होता है। एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर ये इंट्राफ्यूजल फाइबर के बाहरी तरफ पाया जाता है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है मसल की। अब बात करें फीचर्स ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की, तो जो इंट्राफ्यूजल फाइबर है उसमें स्टाइरेशन बहुत ही कम होता है और इनका जो डायमीटर होता है वो 6 से 30 डायमीटर होता है। इनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो एंड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और जो एंड्स जो सेंटर पार्ट होता है इंट्राफ्यूजल फाइबर का वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते हैं। इंट्राफ्यूजल फाइबर भी टू टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर बैक्स फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर। न्यूक्लियर बैक्स फाइबर मतलब जो इनका सेंट्रल पोर्शन होता है वो बैग लाइक फूला होता है, और न्यूक्लियर चेन फाइबर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। जो न्यूक्लियर बैक फाइबर हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो ये जो डायनेमिक है वो डायनेमिक रिस्पॉन्स देता है, इसलिए इन्हें डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर कहते हैं, और जो कि स्टैटिक है तो वो स्टैटिक रिस्पॉन्स देता है, इसलिए इन्हें स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स कहते हैं। अब बात करें मसल स्पिंडल के इनर्वेशंस की, तो इसमें सेंसरी सप्लाई होता है और मोटर सप्लाई होता है। तो इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो जो सेंसरी सप्लाई होता है उसमें भी टू टाइप्स की एंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी एंडिंग्स एंड सेकेंडरी एंडिंग। प्राइमरी एंडिंग जो है वो आई ए एफरेंट फाइबर्स होते हैं। तो आई ए एफरेंट फाइबर किस किस को सप्लाई करते हैं? स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को, डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को, और न्यूक्लियर चेन फाइबर के सेंट्रल पोर्शन पे वो रैप करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जो मतलब प्राइमरी एंडिंग है वो सेंट्रल पोर्शन को रैप करती है, तीनों न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को और चेन फाइबर्स को। और सेकेंडरी जो एंडिंग होती है वो होता है ग्रुप ए एफरेंट फाइबर। ये ओनली स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर के एंड को सेंसरी सप्लाई करती है। अब बात करें तो जो सेंसरी सप्लाई है उसमें भी टू टाइप्स के रिस्पॉन्स होते हैं। जो प्राइमरी एंडिंग है वो टू टाइप्स के रिस्पॉन्स देती है, एक है डायनेमिक रिस्पॉन्स और एक है स्टैटिक रिस्पॉन्स। डायनेमिक रिस्पॉन्स क्या होता है? जैसे हमारी मसल में स्ट्रेचिंग या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है हमारी मसल, तो वो कितने वेलोसिटी से कितने टाइम के लिए कर रही है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स करता है उसको बोलते हैं डायनेमिक रिस्पॉन्स। और स्टैटिक रिस्पॉन्स तब होता है जब हमारी जो मसल है, मसल फाइबर है, मसल स्पिंडल है, उसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल चेंज होती है, ओवर स्ट्रेच कर जाए या ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो जब उसमें चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक रिस्पॉन्स। ये हमारी जो मसल लेंथ है, मसल फाइबर की जो एक्चुअल लेंथ है उसको बनाए रखती है। सेकेंडरी एंडिंग क्या होता है? जैसे कि डायग्राम में पहली है सेकेंडरी एंडिंग, ये क्या करती है? एंड में सेंसरी सप्लाई करती है, और उसके एंड को स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर की और न्यूक्लियर चेन फाइबर की एंड को सप्लाई करती है, और इसमें ये 6 से 9 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। अब ये क्या करते हैं? जो सेकेंडरी एंडिंग्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? वो सस्टेन्ड स्ट्रेच को बनाए रखते हैं, जो मसल है जो स्ट्रेच है उसको बनाए रखते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो प्राइमरी एंडिंग है, डायग्राम में देखें तो ये प्राइमरी एंडिंग है, जो स्टैटिक डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर के सेंट्रल पोर्शन को रैप करती है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडिंग। तो जो प्राइमरी एंडिंग है वो क्या करती हैं? टर्मिनेट होती हैं डायरेक्टली ऑन अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। ये अल्फा मोटर पे टर्मिनेट होती हैं और सप्लाई करती हैं सेम मसल के एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर को। अब अल्फा मोटर क्या करती है? अल्फा मोटर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो प्राइमरी एंडिंग टर्मिनेट करती हैं अल्फा मोटर पे,
अब अगर मोटर सप्लाई की बात करें मसल स्पिंडल की, तो अगर डायग्राम में देखें तो जो मोटर सप्लाई होती है मसल स्पिंडल की, वो करती हैं गामा इफ्रेंट फाइबर। गामा इफ्रेंट फाइबर भी टू टाइप्स की हैं, गामा वन एंड गामा टू। गामा वन क्या करती है, वो सिर्फ डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को सप्लाई करती है। डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को गामा वन इफ्रेंट फाइबर सप्लाई करती है, और गामा टू इफ्रेंट फाइबर किसको सप्लाई कर रही है, स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई करती है। सब डिवाइडेड होती है गामा वन फाइबर, गामा टू फाइबर। गामा वन डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को करती है, गामा टू स्टैटिक एंड्स ऑफ न्यूक्लियर बैक फाइबर एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर। तो ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनोवेशंस के लिए। देन अगर हम बात करें एक्शन की, कि सेंसरी और मोटर सप्लाई एक्शन कैसे करती है मसल स्पिंडल, तो जब स्टिमुलेट किया जाता है, इसे सेंसरी सप्लाई गया, तो जो मोटर सप्लाई होती है गामा इफ्रेंट फाइबर अगर स्टिमुलेट होती हैं तो वो प्रोड्यूस करती हैं, वो इतनी ज़्यादा इनफ या स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं गामा इफ्रेंट फाइबर कि वो पूरी मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवा पाए। जैसे कि मतलब मसल और मसल स्पिंडल दोनों डिफरेंट होता है। मसल एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और जो मसल स्पिंडल है उसके 8 से 12 मसल फाइबर्स होते हैं। तो जो गामा इफ्रेंट फाइबर है वो मोटर सप्लाई करती है मसल स्पिंडल को, ना कि मसल को। मसल को कौन करता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन करता है। तो जो गामा इफ्रेंट फाइबर है अगर हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो पूरे मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाएं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एंड्स ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर। लेकिन अगर वो पूरे मसल का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करवा सकती, लेकिन वो जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, जैसे कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं उनके जो एंड्स हैं उनको, उनके शॉर्टनिंग जरूर करवा सकती हैं, उनको जरूर कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती हैं। तो जब ये दोनों, जब उनके एंड्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनका सेंट्रल पोर्शन भी कॉन्ट्रैक्ट या उनकी भी शॉर्टनिंग होगी। और सेंट्रल पोर्शन पे क्या होता है, प्राइमरी एंडिंग होती है। डायग्राम में देखें तो प्राइमरी एंडिंग कहाँ जाती है, सेंट्रल पोर्शन पे जाती है। तो जब एंड्स की शॉर्टनिंग होगी तो सेंट्रल पोर्शन की भी शॉर्टनिंग होगी, और सेंट्रल पोर्शन पे शॉर्टनिंग होगी तो ये जो प्राइमरी एंडिंग्स के जो सेंसेस सप्लाई है वो डायरेक्ट टर्मिनेट कहाँ होते हैं, इस पे देखिए, तो डायरेक्ट टर्मिनेट होते हैं अल्फा मोटर पे। और अल्फा मोटर क्या करता है, मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तो जब इंट्राफ्यूजल के एंड्स की शॉर्टनिंग होगी तो दिस स्ट्रेच द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्पिंडल टू इनिशिएट इम्पल्स इन सेंसरी नर्व विच फाइनली लीड्स टू रिफ्लेक्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल। तो मतलब कि जब सेंट्रल पोर्शन की शॉर्टनिंग होगी तो इनका टर्मिनेट होता है डायरेक्ट अल्फा मोटर पे, और जब अल्फा मोटर पे शॉर्टनिंग होगी तो वो पूरे मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। तो यही है मसल स्पिंडल का एक्शन। और इससे सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बस इतना है कि जब हम मसल स्पिंडल या मसल का जब हम मसल का पैसिवली स्ट्रेच करते हैं तो मसल स्पिंडल में भी डिस्चार्ज बढ़ता है, और जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा मसल स्पिंडल में उतनी ही ज़्यादा हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच करेगी। तो मसल स्पिंडल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी मसल का स्ट्रेच करवाने या कॉन्ट्रैक्ट करवाने में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मसल स्पिंडल के फंक्शन क्या हैं उसको सर्वो मैकेनिज्म से बताऊंगी। तो अगर आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।